हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेक माय नेम इज मिस्टर धर्मेंद्र सिंह यादव फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस। लेट अस सी व्हाट इज ए टेंस। इट अ टेंस मींस टाइम, ए टाइप ऑफ द वर्ब। टेंस टाइप ऑफ द वर्ब, टाइप ऑफ द वर्ब दैट डिनोट्स, दैट डिनोट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एंड एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज ए टेंस। टाइप ऑफ द वर्ब मीन वर्ब का रूप दैट डिनोट्स, जो हमें बताता है टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, समय और कार्य की दशा के बारे में और इवेंट किसी घटना के बारे में, इज कॉल्ड टेंस। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ईच टेंस हैज फोर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट्स इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। सेकेंड पार्ट कॉन्टिन्यूस। थर्ड पार्ट परफेक्ट। फोर्थ पार्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो ईच सेंटेंस हैज और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ए टेंस। सो लेट अस, वी आर गोइंग टू learn about the present indefinite tense. What is a present indefinite tense? Present indefinite tense, present indefinite tense, present indefinite tense. Dear students, we have to remember three things about each tense. First is identification. Identification, because we will identify which type of a sentence is from the identification. So we have learned the Hindi sentence, the Hindi sentences and with ta hai, pi hai, te hai, ta hum, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर हिंदी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। जैसे मैं गृह कार्य करता हूँ, हम खाना खाते हैं, हम दौड़ते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो अंत में जब ये ता है, ती है शब्द आता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बट इन इंग्लिश वर्ड्स वी आर गिवन सम एडजेक्टिव वर्ड्स। In English sentence, we are given some adjective words such as always, daily, often, seldom, generally, usually, every day. Week, month, rarely, etc. बेटा देखिए, ये तो हमारी हिंदी की बात है, लेकिन हमें एग्जाम्स में है बेटा ये प्रकार के, हमें एग्जाम्स में वर्ड फिलअप करने होंगी, तो यह उसमें एडजेक्टिव वर्ड्स मिलेंगे। ऑलवेज, डेली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यानी जिस भी वर्ड के साथ एवरी होगा, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, इस तरह का वर्ड होगा तो बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो वी कैन से डू और डज। डू और डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, विद सिंगुलर सब्जेक्ट, विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी यूज डज।
सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट एंड नेम। बेटा ही सी इट या किसी का नाम होता है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है, तो इनके साथ हम डज का यूज करते हैं। विद प्लूरल सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ हम डू का यूज करते हैं। आई वी यू दे दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। यह प्लूरल नेम ऑफ एनी नाउन, किसी नाउन का कोई प्लूरल नेम होता हो तो उसके साथ भी हम डू का यूज करते हैं। बट हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव। अवर सेंटेंस मस्ट बी नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ओनली देन वी यूज डू और डज। डू या डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा तो बेटा हमें दो चीजें याद रखनी होंगी, या तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं होगा तो हम देन वी विल नॉट यूज डू और डज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यूटिलिटी मैन वर्ब। व्हाट इज द मैन वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फर्स्ट टेंस है, सो वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस। बट हाउ वी आइडेंटिफाई दैट वी यूज वी वन या वी वन प्लस एस या ईएस, सो लेट अस सी द वी वन प्लस एस या ईएस इज यूज्ड व्हेन द टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा एस या ईएस का यूज वहां किया जाता है, पहली बात तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, सेकंड है बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी यहाँ पर एस या ईएस का यूज कर सकते हैं, और तीसरी चीज है का अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। इनमें से एक भी अगर पॉइंट नहीं है, एक भी ये थ्री थिंग्स है कंपलसरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंगुलर सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओनली देन वी यूज देखिए तो आप अच्छे से देखते यू विल नो दैट ए सेंटेंस हैज फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज राइट एट फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब, सो वी यूज हैवन वी वन और वी वन प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट इन आवर एग्जाम्स और वी आर गोइंग टू यूज द Present indefinite tense is used to express the scientific truth, general truth, habitual action or universal truth. The present indefinite tense is used to express the sense of scientific truth, general truth, habitual action, universal truth. For example, the sun blinks sad in the west. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है वो साइंटिफिक ट्रूथ के लिए, जनरल ट्रूथ, हैबिटुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो ये कह रहा है बेटा द सन सेट इन द वेस्ट, कि सूर्य है वो पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता है, तो इन दिस सेंटेंस वी आर गिवन यूनिवर्सल ट्रूथ, सो वी यूज हियर फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम ऐसे एस का यूज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस द हिमालय blanks stand in the north of India. So
So in this sentence we are also given the universal term. So Himalayas वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए बेटा यहाँ पर हम इसके साथ भी एसएएस का यूज कर देंगे बेटा। इस आइस ब्लेंड्स मैन एट 0 degrees Celsius। सो इन दिस सेंटेंस वी आर गिवन साइंटिफिक ट्रूथ, सो हेयर वी आर गिवन साइंटिफिक ट्रूथ, सो वी यूज हेयर वी वन प्लस एसएएस बेटा। ये साइंटिफिक ट्रूथ है और साइंटिफिक ट्रूथ के साथ हम हमेशा वी वन या उसके साथ एसएएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है बेटा, उसका यूज करने के लिए बेटा हम स्पीड बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज टू एक्सप्रेस स्पीड कॉस्ट डिस्टेंस और रेट। कॉस्ट डिस्टेंस और रेट बताने के लिए बेटा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। एक फॉर्म होती है बेटा बी, बी मींस इज एम और आर, और बी मींस होता है बेटा पास्ट में बी को समझा जाता है बेटा वाज और वेल, और फ्यूचर होता है तो इसका मींस होता है बेटा शैल बी या विल बी। सो इन सच सेंटेंस बट देखिए बेटा रेवाड़ी इज इन ब्लैंक्स बी 55 किलोमीटर फ्रॉम महेंद्रगढ़ की रेवाड़ी है वो महेंद्रगढ़ से यदि डिस्टेंस बता रहे हैं तो इसके लिए बी का हम यहाँ पर किसका यूज कर देंगे ई। अगला देखिए बेटा मिल्क कॉस्ट 40 rupees a किलो रुपीज ए किलो। सो इन दिस सेंटेंस वी आर गिवन कॉस्ट, सो वी यूज हेयर वी वन प्लस एस यस। ओके थैंक्स एंड हैव ए